अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों, क्या शौक करवाई, पहले बताने तो दिया है, ना सलाम कर रहा हूँ मैं ना कुछ, बीच में बोलता रहेगा हर वक्त। खैर दोस्तों, ये देखें डब्बा है, ये डब्बा देख रहे हैं आप, ये डिलीवरी का डब्बा है। हमारे पास एक मुर्गा है वो जो हम सेल आउट कर रहे हैं, और अभी के अभी डिलीवर करना है। हमारे पास पेमेंट वगैरह सब हुई हुई है और कराची जा रहा है, तो मुर्गा मैं आप लोगों को यार दिखा नहीं पाया था, तो चेक करें आप। ये रहा माशाल्लाह से वो मुर्गा, ये देखें माशाल्लाह इसकी आँख चेक करें। और सबसे अच्छी जो मैं इसमें लगी है ना मुझे बात, आप इसके सिर्फ पंजे देखें भाई, ये देखें, ये कौन सी वो कह रहे थे, खिपरेल ना, खपरेल नली कहलाती है दोस्तों। ये देखें कांटेदार टाइप की, माशाल्लाह से यार। और नस्ल जो है अमरोही, शायद अमरोही क्रास में निकला हुआ है, अमरोही क्रास में है यार, बहुत हसीन है। हम ना छोड़ना इधर इसको, इसको चेक करें आप माशाल्लाह से दोस्तों, बहुत प्यारी चीज है यार, यकीन जानो बहुत जबरदस्त आला चीज थी यार। और खैर ये जो है ना कल आया था हमारे पास, और कल ही इसका सौदा हुआ है और कल ही सेल आउट हो गया। पेमेंट भी भाई ने कल भेज दी, बस अब जो है ना या तो हमजा जाएगा इसको डिलीवर करने भाई के साथ। लेकिन ये बताओ व्लॉग में चीज की कदर करने वाले को समझ आती है चीज क्या। हाँ ये तो पता है यार, सबको दिख रहा है दोस्तों, आप लोगों को चीज दिख रही होगी माशाल्लाह से। तो खैर सेल आउट हो गया, अब इसको हम यार पैक करें, बता दूं 10,000 रुपए का गया भाई है। तो भाई प्राइस भी रिवील कर दिए, 10,000 रुपए का गया दोस्तों। तो प्राइस रिवील इसलिए करें, हमदा ने हमदा बोल रहा था कि यार बता देंगे, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि शायद बहुत सस्ते चल रहे हैं। तो भाई असल में बात ये है, आप काफी लोग समझते हैं कि खरीद के ला रहे, मैंने आपको बताया था कि काम ऐसे ही होता है भाई। तो खैर हमने कितने खरीदा था ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन गया ये हमारा 10,000 का है। तो माशाल्लाह कैसा है देख लें। और ये कराची की मार्केट में कितने का, ये भी बताओ। ये मार्केट में तो भाई कराची की मार्केट की बात कर रहा हूँ, कराची की तुम बताओ खुद, तकरीबन कराची की मार्केट में 15,000 रुपए का मुर्गा भाई ये वाला। हाँ सही दोस्तों, 15,000 रुपए का वहाँ पे मिल रहा है। लेकिन ये लगा लो कि अगर कोई ले गए यहाँ से बेचे वहाँ तो 5,000 उसको खड़े खड़े मुनाफा है। तो खैर दोस्तों हम तो भाई ऐसे ही सेल आउट करते रहते हैं ला ला के, अगर माशाल्लाह देखें कितना प्यारा है। चलो यार अब देर नहीं करते, अब इसको दोस्तों हम कर रहे हैं पैक, और ये लिया था मैं डब्बा, इसमें पैक करके इसको हमने डिलीवर कराची करना है। तो अब से थोड़ी देर में निकलते हैं हम, मैं शायद ना जाऊँ, हो सकता है हमजा और भाई जाएँ इसको डिलीवर करने, तो मैं सेटअप पर लेके चल लूँगा आपको जब तक, फिर ये लोग आ जाएंगे। भाई दे दिया दोस्तों, दे दिया हमने भाई अपना पार्सल, इन भाई को दिया ड्राइवर, उनका अपना ही था। तो खैर यार देर हो रही है, इसको लेके भाई को दे दिया, अब चलो भाई हम, थैंक यू सो मच। अच्छा लग रही सर पे लग रही है, चलो भाई सेटअप पे आ गए। हाँ भाई क्या रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्या है, कुछ नया ताजा कुछ भी नहीं है, खुले में किस किस को खिला दिया तुमने, दोनों किसने, माशाल्लाह भाई मुबारक हो बहुत बहुत, मुर्गी के अंडे तोड़ दे। और तुमने एक और भी तो शेर खेली है। खैर दोस्तों यार मैं गया हुआ था थोड़ा काम से, तो वो जो है ना मुर्गा हम डिलीवर कर कर आ गए थे हमजा और मैं, तो मैं अभी वापस आया हूँ, हमदा को घर उतारते हुए गया था एक काम से। बाकी यार इधर तो आओ जरा, तुमने ये क्या करा बताया भी नहीं, किसके रखे हैं, पुराने वाले नए, पुराने रखे। तो भाई हम लोगों ने पहले से ही सोचा था, जो आपको बताया था कि कबूतर ना अपने बच्चे निकालने और टेढ़े अजीब टाइप के निकालने, टांगे सही नहीं है, खराब हो रही है, और मर ही गए सारे बच्चे, हमारे पास कोई भी नहीं बचा था दोस्तों। तो हमने ये थोड़ी सी ना अपनी तरफ से, जिसको होशियारी बोल सकते हैं भाई, ये खेली, इसके नीचे हमने मुर्गी के अंडे रख दिए हैं। तो आप लोगों को पता है किसके हैं, इसके अंडे रखे हैं हमने पुराने वाले, नए वाले नहीं, नए वाले अंडे जो है ना अब हम हमजा बुल्ला इसके नीचे रख देते हैं। तो इसके अंडों का क्या करें, रखना लें यार, देखो दो तीन दिन में दोस्तों हम शायद इनक्यूबेटर स्टार्ट कराएं, या एक हफ्ते बाद मैं इसको बोल रहा हूँ रख लेते हैं। और ये लेकिन इसकी बात भी सही है, ये बोल रहा है कि इनके बच्चे पाल नहीं सकते, वो निकाल के एक तरीके से ना तकलीफ देने के बराबर हो जाएगा। तो क्या कहते हो फिर, नहीं ममता छिनवा रहे हो, एक बंदे की ममता ले रहे हो आप उससे, बच्चे निकल जाएंगे, मुर्गी के बच्चों के खिलाई है, वो मुर्गी के बच्चे निकलाएगी इस मादी को खाने यार। वो देखो हमने की मादी तो देखी नहीं हमारे दोस्तों ने, बताओ ना तुम बताओ कहाँ से आई है, क्या है तरह इसका बताओ। ये भी मैं खरीद के लाया था, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से पेपर वाइट मादा है, हमजा लेकर आया था, ये भी सेल आउट के लिए है, और सेल तो हो चुकी है, हो चुकी है। चले भाई ये भी सेल हो चुकी है, हमजा मुर्गा मुर्गी ना सेल आउट बहुत करता है और इसको बहुत शौक है, मैंने आपको बताया था ना पिन वो केज बनाने के लिए थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो इस वजह से भी कर रहे थे सारा कुछ। खैर इसको कहाँ घुसाया हुआ यार, यार इनको बच्चों अंदर रखो, कहाँ घुसे हुए हो, टांगे सही है तुम्हारी, इधर आओ आगे जरा यार दोस्तों, इसका बड़ा यार दुख हो गया यकीन जानो, टांगे बेचारी की ये देखें परेशान रहता है, इतने प्यारे हैं छोटे छोटे हैं, सेटो
और दूसरा कहाँ है व्हाइट वाला, वो देखें वो कहाँ बैठा हुआ, सुकून से बैठा हुआ ये रहा। इधर ले आओ इसको, इधर ले आओ भाई, क्या कर रहे हो तुम? अभी शायद रिस्ट्रिक्शन हटी है ना, तुम अभी फिर डलवा देना भाई साहब, ये हरकतें करके फिर कुछ ना कुछ करा देंगे। खैर कहाँ घुस रहा है भाई, कहाँ घुस रहा है? तो यार हमजा का वेट कर रहा हूँ, कब तुम कब आए बेटा? जब तुम गली में जा कर रहे थे। हाँ जब आए होंगे। अबे तुम जब से अंडे कहाँ है? अंडे नहीं लाया मैं। अबे यार कोई हमजा अल्लाह की कसम, कोई सुस्ती पने का हद होती है, अंडे ले आते ना। लेके आओ डालो, ये तो डालो। खैर मैं समझा तुम अंडे लेकर आयो, इनके अंडे भी फेंकना मत, अंडे लाना मत, जाले अंडे तो दिखाओ। चलो मैं अंडे ला रहा हूँ फिर। आ गए भाई हमारे गर्मा गर्म अंडे। हर बार पड़ जाते हैं हमारे अंडे ठंडे। क्या हुआ? पूछे प्लास्टिक भी लगा दिया तुम जितनी देर में आओगे। कौन सी प्लास्टिक? कट्टा लगा। अच्छा बैग पे? हाँ यार इनके बैग से ठंड जाती होगी यार। हाँ ये सही है, लेकिन ये उतार देते ना यार हमारे, ये भी तो मसला है। हमने दोस्तों पहले भी प्लास्टिक लाई थी, पर ये लोग उतार देते हैं, और हवाएं जो चली थी ना, बारिश जो आई थी पहले, उसमें हो था सारा काम खराब। हटो मैं थोड़ा नीचे करके रखो। तो यार ये नए अंडे देख लें, एक ये हमने रख दिया, अब एक आ गया ये, अब इसको हमने खुद बैठने दो और इसको हट जाओ पीछे। यार अंडे दिखाओ, ये लो भाई आ गए। अच्छा अब इस पर दोस्तों आप लोग बताएं कमेंट में, इस पर मैं हमजा को बैठा दूँ। हम तो बैठे हो गए। तो भाई दो अंडे हैं यार, गर्म हो रहे हैं अंडे। तो हमारी एक कोशिश है दोस्तों, पहले भी हमने की थी, अगर ये अंडे निकाल दिए उन्होंने तो ठीक बच्चे, तो देखते हैं। बाकी ये दो अंडे आ गए भाई, ये हम इनको खिला देंगे अपने जानवरों को, क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है रखने का। क्या ये तो हमदा ख़राब हो जाएंगे, तो बड़े बड़े है ना, मुर्गी वाला हिसाब किताब तो नहीं है इनका, है ना? मुर्गी वाला हिसाब किताब नहीं होता, वरना दोस्तों हम रख भी लेते कि चलो इनक्यूबेट करते हैं और इसका बच्चा पाल नहीं सकते फिर। खैर अब मैं वेट करता हूँ 5-10 मिनट का कि ये अंडों पे बैठ जाए, तो हम वेट करते हैं। तो यार पूरे 10 मिनट से ऊपर ही हो गए दोस्तों, तकरीबन 15-20 मिनट है ना, हमदा बैठ गई। चलो थोड़ा सा ये ढका है हमने, तो बैठी हूँ महारानी साहबा या फिर जो भी हैं, मैं दिखा देता हूँ फिर भी, अगर वो दिख गया तो, क्योंकि वो उठना जाए यार। वो देखें भाई बैठ गया, मुबारक हो, यहाँ से नहीं दिख रहा वो सामने खड़ा हुआ, यहाँ से दिखेगा। देखने कितनी चादरें ढकी हुई हमने। तो ये रहा दोस्तों, ये देखें ये बैठे हुए भाई साहब अंडों पे। तो बस यही हमने करना था, इसको अंडों पे बैठा दिया। अब हमें इंतज़ार रहेगा बच्चों का कि इसमें से बच्चे निकलते हैं या नहीं, कुछ पक्का नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है निकालेगा, बच्चे निकाल देगा? यार अंडे तो फटा है, निकालने चाहिए। इनकी एक हरकत भी तो बुरी है, उठते रहते हैं 10 मिनट बाद, तभी तो बोल रहा हूँ ढक के रख। अब दोस्तों हमने यही सोचा है कि इसको ना ढक के रखेंगे पिंजरे को, और सुबह भी मैं आऊँगा, जब भी आएंगे दाना पानी डाला और ढक दिया, क्योंकि यार ये उठते रहते हैं, बहुत ज़्यादा उठते हैं, और कभी धूप आ रही होती तो सीखने के लिए उठ जाएंगे अपने आप को। तो बस अब इनको हम बंद रखेंगे, अब 21 दिन का प्रोसेस देखते हैं कि बच्चे निकलते हैं इस बार हमारे पास मुर्गी के या नहीं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। और मैंने इनको पहले बंद कर दिया भाई आज, क्योंकि बहुत परेशान कर रहे थे ये। नहीं भाई हमारे थाई भी आ गए, गिराएगा।